हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी और अपने आप से खुश नहीं रहते, उन्हें अपनी ज़िंदगी में यह मालूम नहीं होता मैंने अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या करना है। कोई प्लानिंग नहीं होती, जो कुछ दूसरे कर रहे होते हैं देखा देखी वो वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते नहीं ये मेरे लिए ठीक भी है या नहीं। कुछ की नकल करके फ़ायदा हो जाता है और कुछ की नकल करके अपने पहले मज़े से भी जाते रहते हैं। कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मैं बात कर रही हूँ उन कुछ लोगों की जो ख्वाहिश रखते हैं दूसरे मुल्कों में आना चाहते हैं, कुछ अपनी सोच रखते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं और कुछ नकल करके सोच लेते हैं। वो ये समझ नहीं पाते अगर हम अच्छे हालात में हैं तो मत इधर आएं, इधर आपकी सोच नहीं तो मत आएं। अगर कोई इधर बैठे किसी को बता दे कि इधर के क्या कानून कायदे हैं और क्या हो रहा है तो वो कहते हैं तुम पहुंच कर ऐसी बातें करते हो, अगर गलती से आ जाते हैं तो इधर की ज़िंदगी वक्त और कानून कायदे से चलती है, वो सब इन्हें मुश्किल लगती है। फिर डिप्रेशन हो जाता है, घर के काम करने मुश्किल लगते हैं, यानी सारी की सारी ज़िंदगी उलट लगती है। कभी दिल नहीं लग रहा, कभी ज़्यादा मेहनत करने को दिल नहीं चाहता, जल्दी थकावट महसूस करते हैं, घर के कोई काम करने को दिल नहीं करता, अपने सारे रिश्ते मिस कर रहे होते हैं, अपने मुल्क की हर चीज़ इधर ढूंढ रहे होते हैं, बहुत ज़हनी बीमार हो जाते हैं या अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं या अपनी फैमिली को तंग करते नज़र आएंगे या अपने मुल्क ही वापस चले जाते हैं। मैं समझती हूँ जब अपने दिल और दिमाग से सोच रखते हैं, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, वो चाहे आपका अपना मुल्क हो या दूसरा मुल्क हो, ये फ़ैसला आपके अपने हाथ में होता है। अपने आप को खुश रखना और मज़बूत बनाना ये भी आपके अपने हाथ में होता है। जिनके मजबूत इरादे और हेल्दी माइंड के होते हैं वो हर हालात में अपने मुल्क और दूसरे मुल्क में खुश रहते हैं। दूसरे मुल्कों में आने के लिए आपको मुकम्मल ज़हनी तौर पर तैयार होकर आना पड़ता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया अभी था, फिर से बता रही हूँ, यहाँ आने के लिए सबसे पहले सच्चे और ईमानदार होना ज़रूरी होता है। यहाँ अपना हर काम खुद करना पड़ता है, वो जॉब का हो या घर का हो। इधर ऐसा नहीं होता कि घर का एक बंदा काम करे और बाकी कोई भी ना करे और आराम से खाए। इधर सबको काम मिलकर करना पड़ता है और बाहर का भी करना पड़ता है। मेरी इस बात से वही लोग इत्तफाक कर सकते हैं जो इधर दूसरे मुल्कों में आ चुके हैं। इधर मेहनत बहुत सख्त होती है और मेहनत से पैसा कमाया जाता है। जो लोग ज़हनी तौर पर समझ कर आते हैं उनके लिए दूसरे मुल्क परफेक्ट हैं, क्योंकि इधर ज़िंदगी को नए सिरे से सीखना पड़ता है। जो लोग भी नए सिरे से ज़िंदगी को सीखते हैं वो इधर एडजस्ट हो जाते हैं, और जो पुरानी कहानियां ढूंढ रहे होते हैं उन लोगों का गुजारा मुश्किल है। अपने मुल्क में होते हैं वहाँ बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वो कोशिश करते हैं हम किसी की तरह बाहर के मुल्कों में चले जाएं। और जब गलती से इधर दूसरे मुल्कों में आ जाते हैं इधर अपने मुल्क की हर चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, यानी कुछ लोग अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं और कुछ अपने मुल्क से दूसरे मुल्क आना चाहते हैं। वक्त बहुत कीमती है, अच्छे से फैसला आपने खुद करना है। इधर हकीकत में ज़िंदगी को समझना पड़ता है, जिसने ज़िंदगी को समझ लिया वो उसी तरह ज़िंदगी को गुजारेगा। जिसका दिल नहीं लगता लोग उनके लिए कहते हैं इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। मैं कहती हूँ जिस इंसान ने ज़िंदगी से लड़कर जीना सीख लिया उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे अपने मुल्क में रहे या दूसरे मुल्क में रहे। ज़िंदगी को समझना आसान नहीं होता, सिर्फ ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत होती है। मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसी ज़िंदगी और जॉब नहीं देखी थी।
इधर बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और ज़िंदगी को नए सिरे से समझना पड़ता है। इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पर समझा कर आएँ, ना अपना पैसा ना वक्त ख़राब करें और अपनी ज़िंदगी को समझ कर चलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि ज़हनी तौर पर अपने आप को समझा कर आना चाहिए कि नहीं है। अब इजाज़त चाहती हूँ, कल एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।